यार एक ना फैंटेसी है मेरी, स्लब शौचालय में मेकआउट करना है। मैंने जंगल में सेक्स किया एक चाइनीज लड़की के साथ। ओए होए होए, वो जो मनाली गई थी ना पैराग्लाइडिंग करने, वहां मिला था। और तूने चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग कर लिया उसके साथ? सही है, कब की बात है ये? लास्ट टू। कैसा था एक्सपीरियंस वो, आई मीन उसका पैराग्लाइडिंग का? डेडली, 20-50 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड गेस व्हाट, वी हियर अ स्नैप। वही हार्नेस टूट गया, पायलट की भी फट गई थी। आई वाज सो क्लोज टू डेथ। चलो मैं ना बाथरूम के आती हूँ। सुन मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहा है? फैंटेसी पूरी करने। तुम बात करो। सोलो ट्रैवलिंग सुनने में कितना कूल लगता है ना, सी रिवर हिल थ्रिल। बट एक चीज मुझे रियलाइज हुई, सोलो ट्रैवलिंग में आप कभी भी सोलो ट्रैवल नहीं करते। भैया मेरा ना चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा, तो हाय आप इस प्रेरणा के साथ सीट स्वॉप कर लोगे? प्रेरणा कम। अच्छी सॉरी यारा, सॉरी। एक्सक्यूज मी, इज दिस टेकन? मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मतलब डिस्क्राइब नहीं। तुम बिलो एवरेज से ही हो। बिलो एवरेज। बट आई लाइक यू। तुम्हारे साथ एवरी डे सीम्स लाइक परफेक्ट, और मैं कभी बोर नहीं होती। Are you okay? कट लगा क्या? ये तो बहुत ज्यादा कट गया है। आई थिंक यू नीड अ डॉक्टर। कोई है आसपास बस में डॉक्टर? लिसन चिल, कुछ नहीं हुआ है। नॉट फनी। आई एम एरा। आई एम कनन। आई एम अ बैंकर। What do you do? Anything except for small talks. I write blogs for travel website. Wanderlust hogi fir to tum? Wanderlove. Oh yara. Aloo puriya khayegi? Ab breakfast karte ho tum? Aaram se ka bro. सुबह 4 बजे उठ के अपने दोस्तों के लिए बनाई हैं पूरियां, इन्हें कम पड़ेंगी, लेकिन तू आराम से कहा। हाँ नहीं मेरा हो गया यार। अरे अरे तेरी टांग खींच रहा हूँ, ले मेरे हाथ से खा ले। मजाक कर, आदत है ये। क्या देख रहे हो? यू वांट टू कम आउट? नो आई एम गुड। मैंने बस फिल्मों में देखा ऐसे खिड़की के बाहर सर निकालते हुए। डोंट टेल मी तुमने कभी ऐसे बस की खिड़की से सर बाहर निकाल के नहीं देखा कैसा लगता है? हाँ तो मुझे नहीं लगता मैंने ऐसे कुछ मिस कर दिया। यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। अरे बहुत रिस्की होता है, तुम भी मत ट्राई किया करो। लाइफ इटसेल्फ इज अ रिस्क, और कभी ना कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा। ओ भाई चटनी एकदम फेंक गया भाई तेरी। एक काम कर, इसमें ना कूटी हुई मिर्ची अलग से डाल के लिया, ठीक है? यार एक ना फैंटेसी है मेरी, स्लब शौचालय में मेकआउट करना है। मैंने जंगल में सेक्स किया एक चाइनीज लड़की के साथ। ओए होए होए, वो जो मनाली गई थी ना पैराग्लाइडिंग करने, वहां मिला था। और तूने चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग कर लिया उसके साथ? सही है, कब की बात है ये? लास्ट टू। कैसा था एक्सपीरियंस वो, आई मीन उसका पैराग्लाइडिंग का?
deadly, 20-50 meters above the ground. And guess what? We hear a snap. वही हार्नेस टूट गया, पायलट की भी फट गई थी. आई वाज सो क्लोज टू डेथ. चलो मैं ना बाथरूम के आती हूँ. सुन मैं भी आ रहा हूँ. ठीक है, कहाँ जा रहा है? फैंटेसी पूरी करने. तुम बात करो. हाँ, इंटरनेट नहीं आता. तो दो साल से बस ट्रैवल ही कर रही हो. आई लव लिविंग लाइक अ स्ट्रेंजर. न्यू प्लेस, न्यू मी. बहुत कूल है यार तुम तो. अकेले सोलो ट्रिप पे आ गए, तुम भी काफी कूल हो. मैं कूल नहीं हूँ यार, मैं एम बोरिंग बैंकर. हाँ दे यार, खुद ही को स्टीरियोटाइप कर रहे हो. आई मीन कितनी भी इंटरेस्टिंग जॉब क्यों ना हो ना, एक पॉइंट बहुत बोरिंग हो ही जाती है. अब खुद सोचो, बोरिंग से बोरिंग काम करके भी इंसान कितने सारे पैसे कमा सकता है, जिससे कितना कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है. बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव यार तुम्हारा लाइफ का. हे यू गो, यहाँ पे आएगा तुम्हारा इंटरनेट. कम. ओह नाइस. यहाँ आएगा सिग्नल. अरे हाँ, थैंक यू. काफी कुछ पता है यार तुम्हें इस जगह के बारे में. या आई हैव बीन हियर मेनी टाइम्स. गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड थी, अब तो बस. कहाँ गई? गई यार, चूती हो तुम दोनों, थोड़े रुकवा नहीं सकते थे? अरे रुकवाई थी, बहुत देर तक रुकवाई थी, पर फिर ना अंदर से शर्म आने लगी, तो मैंने बस ड्राइवर को बोला भैया आप जाओ, क्योंकि दो बेशरम लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए. अच्छा चिल करना, देखते हैं, अभी दो घंटे का रास्ता है, किसी टेम्पो से लिफ्ट ले लेंगे. गाइस यहाँ पर ना पास में एक मैगी पॉइंट है, मैं साक्षी दी के साथ आई थी, बेस्ट मैगी मिलती है अपेरेंटली. वहाँ चले. चलो वहाँ चल के देखते हैं. चलो मेरा बैग ले लियो. ठीक है. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी. तू मासूम, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी. ये गाना बहुत ऑफ नहीं सिचुएशन के लिए? हम वो भी तो गा सकते हैं, यूं ही चला चल रही. सो क्लीशे. I'm gonna miss this, yeah. तुम लोग आते रहते हो क्या regularly vacations पे? Once in 6 months. पर ये मेरी last trip है. ये जा रहा है बीजिंग. एनी जा रही है ऑस्ट्रेलिया. और मैं ऐसी आवारा. तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? यार मैं आया तो था कुछ सॉल्यूशन ढूंढने, पर फिर मेरी बस मिस हो गई. एंड नाउ आई एम हैंगिंग आउट विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. लेकिन मज़ा आया यार बहुत. मैं तो सोच रहा हूँ आगे का ट्रिप भी तुम लोग के साथ ही प्लान कर लूँ. ओ भाई सोचो भी मत, तेरे चक्कर में ऐसा पूरियाँ तलनी पड़ जाएंगे भाई. आनी यार तेरा मैगी पॉइंट नहीं आया अभी तक. आनी कहाँ पे? आनी 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 तुम में से किसी को पता है वो कौन से मैगी पॉइंट की बात कर रही थी? यार यहाँ सबसे पास बेस्ट मैगी पॉइंट है, वहाँ देख ले एक बार. देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं. एनी एनी भैया ये ना हमारी लास्ट ट्रिप है. वैसे तो मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, पर अब थोड़ा हो रही हूँ. एक तो मुझे अपने फ्रेंड्स भी नहीं मिल रहे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा. एनी तू शिवांग आराम से. तू क्या आराम से यार? हाँ मतलब भाई ठीक जोन छोड़. अच्छा एनी आप कितने प्यारे बच्चे हो, हमें अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे आप? इतना ठीक है तुम दोनों के लिए? क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा ये. एक सेकंड, मैगी पॉइंट तक तो मैं लीड कर रही थी ना, तो
तुम लोगों को फॉलो करना चाहिए, और तूने मुझे पिद्दी से क्यों उतारा? देखो पता है मुझे कितना लोनली फील हो रहा था। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब नहीं करूंगा। ठीक है, मैगी तो खिला दे। पता है कितनी टेंशन हो गई थी हमें, पता है? एक तो अनजान शहर, ऊपर से अकेली लड़की, वो भी हाफ माइंडेड। सुन, तू इसको जल्दी से पिद्दी पे ले, टेंपो आ रहा है, फटाफट ले लेते हैं गाइस, रात हो रही है। चलो छह महीने से सोच रही थी, तो पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं, maybe I was convincing myself that things will get better. नहीं भी better. No. This relationship is suffocating. तुम boring हो गए हो. चलो ठीक है, अब तुमने बता दिया ना, I will try to change myself. ठीक है? अरे यार पहले बता देती। तुमने realize पहली बार किया है। नम्रता सुनो, अनन कैंप आ गए। ऐनी मत कर यार, लग जाएगी। क्यों ना करूं, तूने मुझे बिस्ट्री के सामने क्यों बुलाया? ओ वो ना तुझे जानते भी नहीं है। ठीक है वो, हेलो, हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ठीक है, 40 की मांगे 30 में दे रहे थे मेरे लिए। तो बहुत सही बॉन्डिंग है यार तुम दोनों की। कितने साल से यू गाइस आर इन अ रिलेशनशिप? वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, हमारा तो कैजुअल है। और मेरा तो सुपर कैजुअल। सॉरी यार, आई थॉट यू गाइस आर, बट यू गाइस लुक गुड टुगेदर। शादी है इसकी 3 महीने बाद। ऑस्ट्रेलिया में इसके बाप ने रिकी पॉइंटिंग फंसाया। लेकिन तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं क्या ऐसा कमिंग टुगेदर इन रिलेशनशिप? यार हमारी कोई कपल वाली इक्वेशन ही नहीं है, एंड हम एक्सपेक्ट भी तो नहीं करते ना। या ट्रू, आई मीन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। इट्स ट्रू। या सो क्या प्लान है कल का कैप की? मेंसन पीक, सुना है कमाल का सनसेट है वहाँ पे। हम अपने ट्रिप के एडवेंचर की शुरुआत वहीं के ट्रैक से करेंगे। सही है। कितने घंटे का ट्रैक है? 3 घंटे अप्रॉक्सिमेटली। 3 घंटे? अबे नदी के साइड में भी तो जाके देख सकते हैं, पहाड़ पे जाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं जा रहा। अरे यार चलते हैं ना। बे 3 घंटे क्यों, अच्छी से प्रॉब्लम है तेको। ठीक है फिर, आई मीन गुड बॉय, मैं राम लेके आती हूँ। हेरा यार, मैं तुम लोग पे बर्डन तो नहीं बन रहा? मतलब तुम कॉलेज बेस्ट फ्रेंड्स की ट्रिप थी और मैं ऐसे आउटसाइडर बीच में घुस गया। चल ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगी, तो चले जाना चुपचाप। हाँ बता देना यार प्लीज। तुम्हें हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि लोग तुम्हारे साथ रह के तुम पे कोई फेवर कर रहे हैं? I think my ankle got twisted, yaar. Excuse me. Nah. Kaisi ho? Kya lag raha hai tumhe? Mujhe lag raha hai rest karoge to theek ho jayega. Nah. Yaar main na thoda इनसिक्योर रहता हूँ। सॉरी, तुम सुबह आज बोल रही थी ना कि मुझे हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर कोई मेरे साथ है तो वो मेरे पे एहसान कर रहा है। मेरे 2 साल के रिलेशनशिप के लास्ट 6 महीने मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ इसलिए थी ताकि मुझे बुरा ना लगे। तुम्हारे 1.5 साल काफ़ी स्पेशल होंगे ना उसके लिए, तभी 6 महीने रुक गए। पेन हो रहा है, चलो रेस्ट करो, सही हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी, रेस्ट कर लेती हूँ,
2 बजे ट्रैक के लिए भी निकलना है ना। सीरियसली इस पैर के साथ ट्रक पे जाओगी? 3 घंटे का ट्रैक है। तेरा दिमाग खराब है? सॉरी तुम्हारी बातें सुन रहे थे। और तू कौन से नशे करके आई है? चलने की हालत है नहीं तेरी, ट्रैक पे जाएगी तू। और इतनी क्या डेस्परेशन है सनसेट देखने की? मेरा पैर, मेरा पेन, तुम्हें क्या इशू हो रहा है? और हाँ है मुझे डेस्परेशन, क्योंकि पूरा हफ्ता प्लान है, लाइक हर रोज कुछ ना कुछ। आई डोंट वांट टू स्किप इट यार। गाइस यार लास्ट ट्रिप है हमारी, इसके बाद तूने चला जाना पापा जी के बिजनेस के लिए और तूने चला जाना ऑस्ट्रेलिया शादी करके। टेक्निकली सोचो तो हम तीनों लास्ट टाइम एक साथ हैं। एंड तुम लोगों का मुझे नहीं पता, बट आई एम गोइंग। अच्छा गाइस, आई थिंक आई हैव अ प्लान। ये दिल मिला आ तू भी मुझसे मिल मेरे पास आ, बस तू और मैं हो रे इंतजार करे मेरे दिल के खाली कमरे। जिम जॉइन कर लो यार। ब्रेकअप क्यों किया उसने? कह रही थी मैं उसे बोरिंग लगता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है मैं बोरिंग हूँ। पता है मैं ना किसी भी जगह ज्यादा नहीं रुकती, मतलब जगह चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो ना मैं बोर हो जाती हूँ, पर वो जो जगह है वो तो वैसी की वैसी रहती है। तो हो सकता है कि तुम बोरिंग ना हो, उसका नेचर ही ऐसा हो जल्दी बोर जाने वाला। मुझे शादी से डर लगता है। तू खुश नहीं है? डर लगता है नई स्ट्रेंजर के साथ एडजस्ट करना, नई जिंदगी को अडॉप्ट करना। मेरे को भी अपने बाप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। मत करना, पागल हो गया, बहुत पैसा हुआ है उसमें। बीजिंग जाके इन दोनों की तरह कोई नल्ली पार्टी ढूंढ लूँगा और पूरियां खिलाने के लिए तेरे जैसा कोई स्ट्रेंजर फ्रेंड। मेरी टर्न है क्या यार? नम्रता की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो वो सोलो ट्रिप पे निकल जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था इससे कैसे सॉल्यूशन मिलता, कैसे मिलता तो अब भी नहीं पता, पर मिलता जरूर है। वाह, तुम्हारे क्या कन्फेशंस या रिग्रेट्स हैं? आई डोंट हैव एनी कन्फेशंस और मैं रिग्रेट नहीं रखती। 3 लोगों के साथ सोलो ट्रिप पर आना मेरा प्लान नहीं था। 2 दिन की जगह 7 दिन रुकना मेरा प्लान नहीं था। बॉस का फोन काटना मेरा प्लान नहीं था। और एरा, आदत इतनी खुशियों की ना, एरा से मिलना और ये रियलाइज करना कि असल में मैं कितना एक्साइटिंग हूँ मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था। वैसे अनप्लान चीजें काफी एक्साइटिंग होती है ना। ये किसका आइडिया? मेरा आइडिया है। मुझे लग ही रहा था किसी का आइडिया होगा। ये साले तू होगा। ज्यादा दिक्कत है ना तो वापस जाते हैं मार्केट से बबल गम दिला दूंगा, बुलबुले फुलाता हुआ जाइयो। Come on guys, let's do it ना। ओ, 4 पेज की पूरी बकेट लिस्ट है मेरी सेक्सुअल फैंटेसीज की। मरवर गया तो इसका बाप पूरी करेगा क्या? अच्छा ओके गाइस, गाइस ऑन अ सीरियस नोट, बॉडी पैरालाइज हो सकती है, दिसंबर की ठंड है, इट्स वेरी रिस्की। यार 21 वैरायटी के अलग अलग तरह के रिस्क लिए हमने इस ट्रिप पे, और वैसे भी 5-6 मिनट में बॉडी पानी का टेम्परेचर अडॉप्ट कर ही लेगी। यार कूद गया। पानी कैसा है? नॉर्मल है, आ जाओ। What's up? Chilling. बाहर तो बड़े हीरो बन रहे थे, अब क्या हो गया? ठंडा तो है यार। Listen, just relax. It's okay. Come.
सर थोड़ी देर में बॉडी पानी का टेम्परेचर डाट कर लेगी। फीलिंग बेटर? तू दिखा दे, तू सिखा दे मोहब्बत। पैकिंग हो गई तुम लोग की? ऑलमोस्ट हो ही गई। गाइस, बचपन में जब हम ट्रिप पे जाते थे, वापस आते टाइम मैं यही सोचती रहती थी कि यार काश ट्रेन में सो जाए। आज वैसे ही फीलिंग आ रही है यार। ये सैड गुड बाय कॉन्वर्सेशन गुड बाय करते टाइम कर ले। जब मुझे मार्केट में कुछ काम तो मैं तुम लोगों को रिजॉर्ट पे मिलती हूँ। ये बोलो कहाँ? चलो चल रहा है तेरे आने से मेरा शायद वक्त अच्छा चल रहा है। सही है, मुझे बिना बताए मुझे डेट पे ले आई। नहीं लाना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलते हैं, इट्स फाइन। नहीं चलो, आ गए तो कॉफी पी लेते हैं। भैया क्या है यार? दो कॉफी। हॉट और कोल्ड? हॉट। आई गॉट समथिंग फॉर यू। क्या बात है, कैनवास है तो? हाँ। मुझे पेंटिंग बनानी नहीं आती। एक्सपेक्टेड है तुमसे, पर कभी ट्राई करना। इट्स एक्चुअली लाइक मेडिटेशन। कभी भी लाइफ में ऐसे लो फील कर रहे हो ना, बस ब्रश उठाओ एंड पेंट। व्हाट यू हैव टू पेंट इज योर ओनली कंसर्न। थैंक यू यार, लेकिन जरूरत नहीं थी इसकी। इसके बाद कहाँ जा रही हो? आई वाज थिंकिंग मनाली। मनाली बहुत सही जगह है। गए हो तुम? नम्रता ने बताया था। Still not over. ओ नहीं नहीं, तुमने बोला तो याद आ गया, वरना उसकी तो मैंने सारी फोटोज भी डिलीट मार दी गैलरी से। तो मैं कैसा लगता हूँ? छोड़ो। You are one of the best places that I have ever visited. काफी सारे shades हैं तुम्हें। You are new every day. ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हें लगता है हमारा कोई scene है? I really wish होता। But to be honest. नम्रता की तरह ही आज मुझे तुम काफी सही लग रहे हो। यू नो व्हाट करें, कल चांसेस एक्सप्लोर करने के बाद ना आई गेट बोर्ड एंड आई फील स्टक। आदत तो जाती है शायद हम लोगों को ऐसे भटकने की। अरे पर कभी तो किसी ना किसी के साथ सेटल होना ही पड़ेगा ना। लगता है, इनफैक्ट मुझे पता है, और जब टाइम आएगा तब हो भी जाऊंगा, पर अभी वो टाइम नहीं। फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर। Thank you.
अरे श्योर तुम्हारे लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं है? आई थिंक एक रह गया। चल मेरे भाई। सुअर साले। तेरी तो शक्ल सुअर जैसी है। चलो। हाँ भाई। हग्स हो गई हूँ तो गुड बाय सैड कॉन्वर्सेशन भी ले लेते हैं, है ना? तेरा होने वाला परेशान करे तो बताइयो। ऑस्ट्रेलिया में बहुत लौटने आपने। आएगा ना शादी पे? ओ यार मेरा थोड़ा पासपोर्ट का इशू है। वो तो बन जाता आजकल जल्दी। चल ट्राई करूँगा। आ जाइयो। चल बड़ी, अच्छा लगा तुझसे मिलके। पासपोर्ट बने ना, बीजिंग आ जाइए, चिल करेंगे दोनों। सही यार। चलो टाइम हो गया यार बस का। पर मजा आया तुम लोग के साथ। मजा तो तेरे साथ नहीं आया लेकिन तू मैनेजेबल। वो मेरा चार्जर तुम्हारे बैग में रह गया, एक बार चेक कर लो। हाँ देख लेता हूँ। व्हाइट कलर वाला था। आदत इतनी खुशियों की ना मुझको। खिड़की के बाहर सर मत निकालना, इट्स डेंजरस। ओके। क्यों आना था तुझे, क्यों जा रही है, क्यों जाना है तुझे, रुक जा यहीं रुक जा। दिल के दरवाजों में कहीं छुप जा, ओ रहनुमा। हमें लगता है जर्नी अब खत्म हो गई है लेकिन जर्नी कभी खत्म नहीं होती, और अगर गलती से हो भी जाए तो रीस्टार्ट कर लो ना, आप ही की तो जर्नी है। देखो ऑफिस का प्यार के नए एपिसोड्स एवरी वीक ओनली ऑन ऑलराइट्स यूट्यूब चैनल।